यह हमारा विद्यालय 1-5 है, प्राथमिक विद्यालय संथाल डी, जो मोदी डी मौजा में अवस्थित है, मोदी डी गाँव में, मोदी डी राजस्व गाँव है। और हमारे यहाँ स्वीकृत इकाई 2 है, कार्यरत भी हम लोग सरकारी 2 शिक्षक हैं, 12 2 शिक्षिका कार्यरत हैं। और हमारे यहाँ नामांकित बच्चे हैं 123, कुल 123 नामांकित बच्चे हैं हमारे यहाँ, और औसत उपस्थिति हमारी लगभग 110 के आसपास औसत उपस्थिति हमारे स्कूल की रहती है। सर यहाँ पे क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या और तो भवन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, मना हमारे जैसे प्राथमिक विद्यालय है तो 5 कक्ष होना चाहिए, तो हमको कुल मिलाकर के 6 कमरा है, शौचालय भी है, अलग अति बालिका का है, बालक का भी है, किंतु हमको हमारे यहाँ सबसे कमी जो है वह बाउंड्री की है, चार दीवारी। क्या दिक्कत होता है तुम लोग को यहाँ बाउंड्री नहीं होने के कारण? बकरी में खाना खा जाता है, फिर में गंदा कर देता है, फिर हम लोग का दिन साफ करने में दिक्कत लगता है। तब बच्चे रोड के पास चल जाते हैं, वहाँ पर बहुत से गाड़ी आती है। और क्या क्या दिक्कत होता है? और बहुत से लोग डांस करते हैं, उसकी वजह से हम लोग को। अगल बगल में कोई ऐसा आदमी है जो घूमना चाहते हुए भी खा कर आपका बाउंड्री नहीं रहने के कारण इधर आ जाता है, अंदर आ जाता है, या तक बरांडा तरफ भी आ जाता है, या कभी कभी तो रूम में भी आ जाता है, जिसके कारण हम लोग को बच्चा लोग को कुछ बताने में दिक्कत होता है। उन के जो भी मन में है उल्टा सीधा उन लोगों को तो खुश रहता नहीं है, वो सब बोलने लगता है। उसी टाइम अगर कोई आदमी वहाँ से बगल से गुजर रहा है, जोर से आवाज़ से बात कर रहा है, या कुछ ऐसा मान लीजिए सवारी है आपका बाइक चल गया या कुछ बड़ा गाड़ी चल गया, उसमें अगर वाजा साउंड दिया हुआ है तो बच्चा का मन उधर आकर्षित हो जाता है, बच्चा उधर देखने लगता है, आपका पढ़ाई से ध्यान उन लोग का हट जाता है। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अपील करती हूँ कि आप बागमारा प्रखंड के BEO श्री महावीर पासवान को संपर्क नंबर 9835130831 पर कॉल करके इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि इस स्कूल में जल्द से जल्द चार दीवारी का काम हो सके। मैं भारती संताल डी धनबाद झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।